हाय गाइस, मैं हूं ध्रुव फ्रॉम टीम फैसिनेटिंग और इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा WWE से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज सर्वाइवर सीरीज के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वाइवर सीरीज WWE के टॉप फोर पेपर व्यूज में से एक है, तो वैसे में एक बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अंडरटेकर। जैसा कि न्यूज में चल रहा था, हमने सुना था, रेसलमेनिया में देखा था कि अंडरटेकर रिटायर्ड हो चुके हैं रोमन रेंस से हारने के बाद, पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि WWE के एक क्रिएटिव टीम एक बहुत ही अच्छी खासी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके तहत अंडरटेकर को हो सकता है कि एक और मैच मिले सर्वाइवर सीरीज में, और शायद हो सकता है वह मैच रेसलमेनिया में भी दोबारा से हो। और दोस्तों, उनका यह मैच होने वाला है जॉन सीना से। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे WWE फैंस लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना के होने का। दोस्तों, उम्मीद यही है कि जल्द ही हमें यह मैच देखने को मिलेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि नो मर्सी के बाद, यानी कि जॉन सीना और रोमन रेंस का जो मैच होने वाला है, उसके बाद जॉन सीना WWE से कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे, क्योंकि उनकी हॉलीवुड की मूवीज बम्बलबी और शज़ाम शायद आने की है। पर WWE की क्रिएटिव टीम यह कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वह जॉन सीना को बुक कर ले सर्वाइवर सीरीज के मैच के लिए। अगर ऐसा होता है तो नो मर्सी में हो सकता है कि हमें देखने को मिले कि रोमन रेंस और जॉन सीना के मैच में अंडरटेकर आ रहे हैं और वह जॉन सीना पर अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह है WWE से रिलेटेड, सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड एक न्यूज़। ऐसे ही और फ्यूचर न्यूज़ के आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।